हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है बैक टू ब्यूटी चैनल में आप सबका। अगर आप चैनल पर पहली बार हो, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का वीडियो एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो है। हमारे फेस पर छोटे छोटे रोएं जैसे बाल होते हैं, कईयों के ज्यादा होते हैं, कईयों के कम होते हैं, लेकिन होते हैं सभी के हैं। इन अनवांटेड हेयर को परमानेंटली कैसे रिमूव करें, बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। एक बार आपके चेहरे के बाल गए फिर दोबारा वापस नहीं आएंगे। चलिए देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, इसे कैसे बनाना है और इसे कैसे लगाना है। लेकिन ये सब देखने से पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों। इस मास्क को बनाने के लिए हमें अनफ्लेवर्ड जेलेटिन पाउडर 1 चम्मच, ये हमारी स्किन को यूथफुल लुक देता है, ब्राइटन स्किन देता है। पिंच ऑफ टर्मरिक हमारे अनवांटेड हेयर की ग्रोथ को आने से रोकती है। 2 चम्मच गरम दूध, ये हमारी स्किन पर क्लीनर, टोनर और मॉइस्चराइज का काम करता है। 1/2 चम्मच हनी, हनी हमारी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है। चलिए देख लेते हैं इसे बनाना कैसे है। 1 चम्मच जेलेटिन पाउडर, पिंच ऑफ टर्मरिक, 1/2 चम्मच हनी, 2 चम्मच गरम दूध, इसे अच्छे से मिक्स कर लें ताकि इसमें कोई लंप ना रह जाए। ये ठंडा हो जाए तो टाइट हो जाएगा, आप इसे माइक्रोवेव में गर्म कर सकते हैं। देखिए, चलिए देखते हैं इसे लगाना कैसे है। सबसे पहले आपने अपने चेहरे को क्लीन करके हॉट टॉवल से, आप इसको गर्म पानी में टॉवल को भिगोकर निचोड़कर अपने फेस पर ऐसे रख लें। अच्छे से साफ कर लें। इससे हमारे फेस के सारे पोर्स खुल जाएंगे। अब आपने इस मिक्सचर को अपने चेहरे पर ब्रश से या फिंगर से, जैसे भी आप चाहें, लगा सकते हैं। आपने अपनी आईब्रोज बचाकर अपने हेयर्स को टाई कर लें। ऐसे अच्छे से लगाकर आप इसे सूखने के लिए छोड़ दें 25 to 30 मिनट, और आप देख लें जब ये अच्छे से सूख जाए तब आपने इसे रिमूव करना है। चलिए सूखने के बाद बताती हूँ कैसे रिमूव करना है। देखिए, हमारा फेस पैक सूख चुका है। अब आपने इसे धीरे धीरे नीचे से ऊपर को उतारना है, धीरे धीरे। देखिए, धीरे धीरे
देखिए फेस मास्क को उतारने के बाद अब आप ठंडे पानी से अपने चेहरे को रगड़ना नहीं है, वॉश कर लें हल्के हाथों से। देखिए फेस मास्क रिमूव करने के बाद मैंने अपना चेहरा पानी से धो लिया है, बिल्कुल सॉफ्ट टाइट क्लियर स्किन लग रही है, बिल्कुल बढ़िया लग रहा है। और देखिए सारे रिमूव हो गए हैं, हेयर्स कहीं नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे रोए जो होते हैं हमारे पूरे चेहरे पर वो सारे रिमूव हो गए हैं। बहुत ही बढ़िया है, नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और इससे धीरे धीरे आपके सारे हेयर खत्म होते जाएंगे, लेकिन दोबारा नहीं आएंगे, एक बार गए तो दोबारा नहीं आएंगे, ये गारंटी है। बहुत ही बढ़िया है अनवांटेड हेयर के लिए, कोई पेन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम वैक्सिंग कराते हैं इतना पेन होता है, थ्रेडिंग कराते हैं, अपर लिप्स बहुत ही दर्द होता है, लेकिन बहुत ही आसान है ये। फिर भी दोस्तों आप पैच टेस्ट जरूर कर लें, और वॉश करने के बाद आप अपना चेहरा मॉइस्चराइज कर लें। थोड़ी सी एलोवेरा जेल लेकर आप अपने पूरे चेहरे पर एलोवेरा जेल लगा लें, ये आपके चेहरे को ठंडक पहुंचाएगी, मॉइस्चराइज करेगी आपके चेहरे को। या फिर कोई भी आपके पास मॉइस्चराइजर हो आप वो लगा लें। देखिए इतना क्लियर, इतना बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल फ्रेश फील कर रही हूँ। दोस्तों हम अपने बालों के लिए ब्लीच करते हैं, इनके लिए, इनका कलर फेड करने के लिए, जो हमारी स्किन पर सूट नहीं करता, केमिकल होते हैं उसमें, हमारी स्किन जली जली लगने लग जाती है, वैक्सिंग करवाते हैं, इतने सारे केमिकल हमारी स्किन पर यूज होते हैं, हमारी स्किन काली पड़ जाती है। लेकिन ये नेचुरल चीजें हमारी स्किन को क्लियर करती हैं। बेनिफिट एक चीज करने के लिए हमें इसके साथ 10 बेनिफिट साथ में मिलते हैं। अब हमने ये हेयर रिमूवल पैक है, लेकिन इसके साथ में कितने बेनिफिट हैं, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, रिंकल, फाइन लाइन, आपकी रंगत कम हो गई हो, बताइए, एक चीज इतने सारे बेनिफिट्स। तो फिर चलिए बनाइए, लगाइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, अगर आपको फेस पैक लगाने के बाद अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी बताएं, उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी फायदा उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी ऐसी ही छोटी छोटी वीडियो का आप फायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका बहुत बहुत प्यार मिल रहा है मुझे, सहयोग मिल रहा है, अपना प्यार और सहयोग ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें, मेरा उत्साह बढ़ाते रहें ताकि मैं और भी नए दिन हर रोज आपके लिए कोई ना कोई वीडियो लेकर आती रहूं। हैव ए गुड डे, बाय बाय।